आप हर बार एक मौका इनू दे दियो, एक मौका इनू दे दियो। असी लोग आ जिहड़े लोग मौके मंगण वाले ना, आ सारे लुटण वाले है, फ्रॉड बंदे है। पंजाब सरकार पंजाब दे इलेक्टेड बंदे नहीं चला रहे, दिल्ली तो केजरीवाल की टीम पंजाब सरकार नू चला रही है। कोई सरकार लगती है गुंडागर्दी की सरकार है। अज अतवाद ऐ लगे जिवें अतवाद का समा सी, लोगों की दहशत का माहौल। कोई पंजाबी रात को शाम को बाहर नहीं जा सकता, लोग डरते अपने घर तो बाहर निकलने, दुकान बंद कर फिरते हैं, क्योंकि जे आ चलता रहा भगवंत मान तो आम आदमी पार्टी सरकार चलती रही, पांच साल सारिया फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, इतने गुंडागर्दी का राज हो जूगा, इतने ऐ जिमें बहरले तालिबान वगू जो जी आ वो करी जाता, वो जहा हालात बन जूगा, तो फिर इतने रहना बड़ा औखा हो जाना है। जो भगवंत मान है एक नास्तिक बंदा है, किसी धर्म की मर्यादा बारे नहीं पता। जो इंसान शराब पी के गुरु घर जा सकता है तो वह फिर वो तो की एक्सपैक्ट कर सकते हो, उन्होंने ए नहीं पता कि जे अज मुख्यमंत्री बनया अपने दम से नहीं बनया, वो परमात्मा की बख्शिश होई तो इनू मौका मिले। आज जो हालात पंजाब दे है, मैं पिंडा जाना शहर जाना है, लोग इन्ने दुखी होए पे है। आ जो 2022 साल टपया है, मैं कह सकता अपने पंजाब के इतिहास में पंजाबियों का सब तो औखा साल जो कोई टपया है वह 2022 टपया है। जो कोई नवी सरकार बनती है एक चाह हुंदा है कि साड़ी नवी सरकार ते असी कोई नवी चीज़ देखांगे। नवी चीज़ की देखनी सी कि इत्थे तां खलारा पै गया पंजाब, अपने पंजाब दी इंडस्ट्री हुण यूपी जान लग गई। हुण कल पता लग्या कि होजरी इंडस्ट्री पंजाब दी जम्मू कश्मीर जान लग गई, उन्होंने प्लान बना लिया जम्मू कश्मीर। जे साइकिल इंडस्ट्री होजरी इंडस्ट्री जिहड़ी अपनी जिवें नीह है पंजाब दी इंडस्ट्री दी, जे वह पंजाब च ना रही तो फिर पंजाब दा होऊगा की? आ कारण की है? मैं होजरी वाले नूं पुछया, मैं इंडस्ट्री दूजी कंपनियां नूं पुछया, वो कहिंदे तीन चार वड्डे कारण है। एक तां पंजाब विच कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, पांच साल कैप्टन ने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई। भगवंत मान ने तो बनाने की सी, जिथे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है नहीं, लोगों को पता ही नहीं कि करना की है, की इनसेंटिव मिलेंगे। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी असी बनाई सी उदे करके ही पंजाब च इंडस्ट्री आई सी, उदों जिन्नियां रिफाइनरियां आई हैं, इत्थे टैक्सटाइल मिल लगी हैं, इत्थे आईटी सैक्टर आया है, ऐसे दूजे फूड प्रोसैसिंग दे आईटीसी वर्गियां कंपनियां आई हैं, तो इतने टूरिज्म डिवेलप होया साड़ी इंडस्ट्रियल पॉलिसी करके सी। पर जो साड़ी पॉलिसी लैप्स हुई, इन्हों का मतलब सी उन्हें रिन्यू करना या कोई अगे वधाउणा। जिहड़ियां इनसेंटिव असी अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी दिते सी ओही इनसेंटिव अज योगी की सरकार यूपी दे रही है सानू देख के, तो ओही इनसेंटिव हुण जम्मू कश्मीर ने देना शुरू करता है, तो इंडस्ट्री इतों भजन शुरू हो गई। दूजी गल जी है, अज आप सरकार आउटसोर्स करता, पंजाब सरकार पंजाब के इलेक्टेड बंदे नहीं चला रहे, दिल्ली तो केजरीवाल की टीम पंजाब सरकार चला रही है। केजरीवाल के बंदे डी जी पी मीटिंग करते हैं, केजरीवाल दे जिहड़े बंदे उस चीफ सैकटरी नाल मीटिंग करके सारे अफसरां दीआं मीटिंगां विच मिनिस्टर तां कल्ला मूंह दिखाई वास्ते बिठाया हुंदा, सारी मीटिंग्स वो भाई केजरीवाल दे बंदे करदे आ। हुण केजरीवाल दे बंदिआं नूं की लगाया पंजाबीआं नाल? वह तो इत्थे लुट्टण वास्ते आए आ। तुसीं हालात देख लो किन्ना झूठा प्रचार। कल मैं देख रहा सी भगवंत मान दा बयान, कहिंदा मैं 20,000 नौकरी दे दी। मैं एक बंदे दे नां तां दसो 20,000 कि नौकरी देती, झूठ बोली जाऊगा। फिर टोल प्लाजे का वो पीरियड खत्म हो गया, 20 साल हो गए पूरे, जाके आऊगा उत्थे स्टेज जाऊगा जी मैं टोल बंद करता। जे भगवंत मान साहब थोड़ी इन्नी
पेट्रोल बंद कर दिया, जिहड़े अग्रीमेंट नहीं खत्म होया घट तो घट एक तो बंद करके दिखाओ, फिर लोगों को क्यों झूठ बोल रहे हो, गुमराह कर रहे हो। आ जिहड़े इन्हां ने आ जिहड़े एक महला क्लीनिक बनाए सी किधर गए हुण, जिहड़े डाक्टर जिला हस्पताल तो भेजते सी साढ़े सेवा केंद्र बंद करके उन्होंने बनाते सी, अज उत्थे भी है नहीं, दवाइयां है नहीं। वो सरकार लगती है गुंडागर्दी की सरकार है। अज अतवाद ऐ लगे जिवें अतवाद का समा सी, लोगों की दहशत का माहौल, कोई पंजाबी रात को शाम को बाहर नहीं जा सकता, लोग डरते अपने घर तो बाहर निकले, दुकाना बंद कर फिरते हैं। हुण तां शरेआम दिने ही दुकाना ते लोग आउंदे है, बंदूक लिखा के उत्थे चोरी कर लैंदे है। जिन्नी फरौती अज इंडस्ट्री तो गई है, इंडस्ट्री मैंने वड्डे वड्डे इंडस्ट्रीज ना गल हुई है, वो कहिंदे सारयां ने फरौतियां दित्तियां, मैनू नहीं ना पता किसी का जिन्हें फरौती ना दित्ती होए, क्योंकि उन्होंने पुलिस ते पंजाब भगवंत मान की सरकार ते विश्वास ही उठ खड़ा। जे जिस सूबे दे वे लोकां दा विश्वास सरकार ते हट जाए तो वह सरकार किवें चलूगी। अज दफ्तर चल नहीं रहे, सारे मुलाजम सड़कां ते है, सड़कां बंद होईयां पईयां, धरने लगी आंदे है। अज साल ही होया, मैं तो अज परमात्मा चरणां आई दस बेनती करी कि इहदे इहनूं कोई समत बख्शन। हुण साडे कोल कोई चारा नहीं है पंजाबियों कोल, क्योंकि हुण चार साल एज पर लॉ कानून दे तहत, पाँच साल उन्होंने पूरा, क्योंकि 92 MLA देते, 92 MLA हुण पाँच साल कानूनी तौर पर हुण कोई हटा नहीं सकता, पर घट तो घट साडियां मुश्किलां उन्हां नूं बताए। मैं भगवंत मान नूं आई बेनती करदा, जे तैनूं जे सही मायने ते भगवंत मान जे पंजाबियों का सिंसेर है, वह तो सरकार चलनी नहीं, मन जे कि मैं थोड़ा गलती हो गई, असी एपरीशिएट करांगे, असी उन्हें कहांगे चंगा घट तो घट पंजाब नूं बचाउण वास्ते अपना इस्तीफा तो दे के कुरबानी दे गया, क्योंकि जे आ चलदा रहा भगवंत मान ते आम आदमी पार्टी सरकार चलती रही, पाँच साल च सारियां फैक्ट्रियां बंद हो जाणगियां, इत्थे गुंडागर्दी दा राज हो जूगा, इत्थे ऐ जिवें बाहरले तालिबान वांगू जिहड़ा जी आउंदा वह करी जांदा उह जिहा हालात बन जूगा, तो फिर इत्थे रहना बड़ा औखा हो जाना, तो वो जी स्थिति बन गई तो फिर उन्होंने स्थिति नूं उत्थों कढ़ना ही बड़ा मुखा हो जाना। अज इन्ना करजा ले लिया ने, देखो 7 महीने के अंदर 8 महीने 30,000 करोड़ रुपया करजा ले लिया, इहनूं ऐ नहीं पता कि आमदन किवें वधाउणी है। बिजली महकमा दे मैं सारे पंजाबी नूं अज दसना चाहुंदा, नवां साल शुरू होया, असी हैं जिन्हां ने थर्मल प्लांट बनाए, दोनों थर्मल प्लांट, तिन्ने थर्मल प्लांट असी बनाए। आई भगवंत मान, आई कांग्रेस ही कहिंदे सी उह थर्मल प्लांट बंद होने चाहिए है, ना कांग्रेस ने बंद किए तो ना हुण भगवंत मान कर रहा, क्यों? उन्हें पता है कि वही सही फैसला सी, जे साडे ही थर्मल प्लांट बनाए अज पंजाब नूं बिजली दे रहे है, जे असी ना बनाए होंदे तो अज पंजाब च 15-15 घंटे बिजली कट होने सी। पर जै जी हालात हुण है, ना कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवा कोई बिजली का प्लांट लाया, तो ना इन्हें तो की लाना सी भगवंत मान ने, हुण 7 साल हो गए एक नवा प्लांट नहीं लग्या, सगों जिहड़े पुराने प्लांट सी दो बंद हो गए है। डिमांड वध रही है हर साल 15%, हुण की कर रहे है? मार्केट तो खरीद रहे हैं, किन्नी देर खरीदेंगे मार्केट तो? अज तो 4 रुपये की मिल रही है, अगले साल 10 रुपये की मिलेगी, फिर 20 रुपये की मिलेगी, तुसी एडे 20 रुपये लैके तुसी अपने लोगों नूं फिर होगा कि रेट वधनगे थोड़े बिजली के। इन्हां नूं सरकार चलाउणी नहीं आउंदी, इन्हां नूं सब तो पहले नवें बिजली के प्लांट लाने चाहिए जिवें असी कीते, पर इन्हां दे मन च ओही है कोई कोई फिक्र ही नहीं, कोई परवाह नहीं, जदों बिजली वाधू महंगी हो गई इन्नी फिर इंडस्ट्री ने भज जाना। जे घरां दी बिजली 8-8 रुपये हो गए, 10-10 रुपये हो गई, 12 रुपये हो गई, इत्थे तो लोगों दी चीखां निकल जाणियां, इन्ना बुरा हाल हो जाणा। तो मैं सिंसेयरली कह रहा, अपील करता भगवंत मान नूं, थोनू दो मौका दिता है, हुण जिहड़ा होशापंती दे कम्मां च आया होशापंती छड्ड दिओ, घट तो घट जे कोई सलाह दी लोड़ है सलाह लै लो, किसी तो लै लो, साथों मंगनी चाहिए सलाह असी दे सकते हैं, क्योंकि पंजाब जे बिगड़ गए हालात, बॉर्डर का सूबा पाकिस्तान नाल अपना लगता है,
पाकिस्तान ने उसका फायदा लेना तो इतने वो हालात बना देने जोड़े 20 साल पहले से। सो 2023 शुरू होया, मैं तो आई अरदास बेनती करदा कि भगवंत मान जी ते आम आदमी पार्टी सरकार नू परमात्मा कुछ मत दे कि इन्हां दे मेहर करे कि आ कोई अकल दा काम कर लग जा। हर गल दे नाल माफिया शब्द कोई पुछना, तुसीं दसो माफिया है कित्थे हो? सब तो सानू कहंदे सी रेत माफिया, सब तो सस्ता रेता श्रोमणी अकाली दल दी सरकार दे दौरान सी। साडी सरकार कांग्रेस सरकार दुगना हो गया, हुण तां 4 गुना हो गया। रेत माफिया वो बने फिरदे है। नशा अज जिन्ना नशा अज हैगा अकाली दल की सरकार दे ना इन्ना नहीं सी जिन्ना हुण हो गया। तो फिर की है, लॉ एंड ऑर्डर इतने खराब है, नशा की नहरा वगी जाती है, ना रेता मिले, इंडस्ट्री भची जाती है। पहले लोग यूपी बिहार तो कम कर आते इतने पंजाब, अज पंजाब की इंडस्ट्री यूपी बिहार जान लग गई। हालात देखो की है, फिर बदलाव की है जी, बदलाव का नारा दिता सी इन्होंने, बदल दिता पंजाब, पंजाब की बेचारे बारे पंजाब बड़ा तिनका तिनका कट्ठा करके असी पंजाब नू बिल्ड किया सी। मैं पंजाबियों नू आई कहना चाहना है, सारे नू सोचो जिहड़ियां सड़कां बनाईयां, सड़कां दा जाल 4-6 लेन दीयां सड़कां पूरे पंजाब च है, वह श्रोमणी अकाली दल दी सरकारां ने बनाईयां। एयरपोर्ट बने श्रोमणी अकाली दल दी सरकारां ने बनाए, जिन्हें बिजली दे थर्मल प्लांट सोलर प्लांट लगे श्रोमणी अकाली दल दी सरकारां ने बनाए, जिन्नियां पक्के खाले नहरां कसियां किसानां वास्ते मंडियां श्रोमणी अकाली दल दी सरकारां ने बनाए, जे गरीब नूं आटा दाल शगन पेंशन सारियां चीज़ां श्रोमणी अकाली दल दी सरकारां ने बनाए। एक भी निशानी ना कैप्टन अमरिंदर सिंह दी कांग्रेस सरकार दी है ते आम आदमी पार्टी ते छड्ड दिओ, जे इन्ने सालां च एक भी निशानी इन्हां दी नहीं है ते फिर सोचिए कि आपां गलती कीती कि पंजाब दा असली वारस केड़ी पार्टी है। असली वारस पंजाब दी श्रोमणी अकाली दल है। असी जिउणा मरना पंजाब वास्ते है, मरदे रहे हैं पंजाब वास्ते। शहीदां शहीदां दी जथेबंदी क्यों कहा जांदा है? पंजाब दे हक लई लड़ाई लड़दे हैं। आ हुण पंजाब दी पाणियां दी गल है, पंजाब दा पाणी 2 समें पंजाब तो खोया गया। एक राजस्थान नूं जदों अद्धा पाणी दित्ता गया, राजस्थान नूं जिहड़ी नहर कढ़ी है किहने कढ़ी है? इंदिरा गांधी ने कढ़ी है, ते दरबारा सिंह मुख्यमंत्री जी धक्के नाल पंजाब दा पाणी राजस्थान देता जिथे वो हक ही नहीं। दूजी वार एसवाइल नहर भी इंदिरा गांधी ने कढ़ी, ते कांग्रेसी हुण पंजाब पाणियां दी गल करदे। हुण भगवंत मान मीटिंग करन की जांदा जो पानी है नहीं, आपां कोई चीज़ नहीं, जे आपां घर वेचना नहीं फिर आपां बाजार जाऊंगे किस वास्ते? जिन्हें घर ही नहीं वेचना तो बाजार कुछ क्यों जाऊगा? भगवंत मान नूं मीटिंग जाना ही नहीं चाहिए, स्पष्ट करना मैं नहीं आउंदा, असीं जे जो पानी देना ही नहीं तो फिर मीटिंग किस वास्ते? आ मीटिंग दे ड्रामे इक्को है कि भगवंत मान दे उत्ते केजरीवाल पूरा जोर ला रहा, प्रेशर पा रहा कि किवें ना किवें पानी दिल्ली नूं पहुंचाओ, क्योंकि इन्हां दी मंग है, क्योंकि आ नैशनल पार्टियां है, इन्हां ने हरियाणा 'च इलैक्शन लड़ना है, इन्हां ने दिल्ली लड़ना है, इन्हां दी सोच कांग्रेस दी। हुण राहुल गांधी पंजाब आ रहा, उहनूं पुछो पंजाब दा पाणी पंजाब 'च लैणा चाहीदा कि हरियाणा जाणा चाहीदा? सवाल दस्सो राहुल गांधी, कांग्रेसी दसन, तुसीं साडे किसी अकाली वर्कर तो लीडर तो पुछ लो, कहिंदे मर जाएंगे पर एक बूंद पानी दी असीं बाहर नहीं जाण देवांगे। ना कांग्रेसी आ कहण लीडर इन्हां दे, ना बीजेपी कहे, आ केजरीवाल ने तां कहना की सी? इस करके मैं आई पंजाबियों नूं कहना, आप हर बार एक मौका इहनूं दे दिओ, एक मौका इहनूं दे दिओ। असी लोग आ जिहड़े लोग मौके मंगण वाले ना, आ सारे लुट्टण वाले आ, फ्रॉड बंदे आ। इहनां दा पिछोकड़ देखो कि इहनां ने पंजाब प्रति कीता है। अकाली दल दा श्रोमणी अकाली दल दा पिछोकड़ देखो, 100 साल पुरानी पार्टी, 102 साल हो गए आज़ादी तो पहले भी आज़ादी तो बाद भी, देश खातर ते पंजाबी ते सिख कौम खातर उन्हें शहादत दित्ती है। तो यह जी पिछोकड़ वाली पार्टी आप भुल जाएंगे तो दूजे के अखे लगेंगे, नुकसान तो होना ही है।